स्कूल से लेकर अभी तक तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है? तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेगी। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम ट्रुथ एंड डेयर चैलेंज करने वाले हैं। इसमें आज हम एक दूसरे को ट्रुथ एंड डेयर देने वाले हैं। अब अगर इसने ट्रुथ एंड डेयर लिया तो इसको पूरा करना पड़ेगा, और मैंने लिया तो मुझे करना पड़ेगा। हमारी कंडीशन ये है कि हम डेयर कितनी बार भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो ट्रुथ है वो सिर्फ दो बार लेना है। कि हमें करने हैं 0.5, जिसके पहले 5 पॉइंट्स हो गए, सब कुछ मिला के ट्रुथ एंड डेयर मिला के 5 पॉइंट हो गए, ठीक है, तो वो पहले जीत जाएगा। तो अभी हम स्टोन पेपर सीजर करने वाले हैं। जो हारेगा ना उसमें, उसकी पहले बारी आने वाली है, तो जो हारेगा उसको ट्रुथ या डेयर लेना पड़ेगा। करते हैं स्टार्ट स्टोन पेपर सीजर। चल चल चल। तो गाइस, मैं स्टोन पेपर सीजर हार चुका हूँ, तो क्या करना है अब? तू बता क्या लेना है। मैं लेता हूँ पहले ट्रुथ, दो बार ट्रुथ है तो पहले एक बार ले लेते हैं ट्रुथ। तो अब तू ये बता कि तूने कभी मम्मी से झूठ बोल करके लॉन्च किया है? क्या झूठ? कहीं और का बता करके कभी लॉन्च किया हो फ्रेंड्स के साथ? नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला मैं कहीं और जा रहा हूँ। बस मैंने ये बोला कि मेरा दोस्त का या मेरे भाई का बर्थडे है, तुम लॉन्च चले जाते, तो बस मैंने कभी पूछा नहीं, तो मैंने झूठ बोला नहीं। ओह माय गॉड। तो अब दीदी की बारी है, दीदी आप क्या लोगे? डेयर। डेयर तो आपको डेयर करना है। यहाँ खड़े हो यहीं पर ही, और जोर से लाके बोला मैं पागल हूँ, 3 बार बोलना है। चलो यार, ऐसे मत करो, शर्म आ रही आपको? ऐसे थोड़ी होता है डेयर, कभी लोग तो होंगे। बोलो, जोर से बोलना है 3 बार। बोल रही हूँ ना, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल, ठीक है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, दीदी के लिए इतनी छूट चलती है, पर ऐसे नहीं करना था, वो तेज तेज बोलना था। अंदर डेर दूंगी ना इसको, शर्मा जाए। ऊपर तेज तेज बोलना था कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पर दीदी ने, दीदी को शर्म आ रही है, पर कोई बात नहीं, अब है मेरी बारी। तो अब इसको डेर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक बार ट्रुथ ले लिया है। तो मेरे पास अभी एक ट्रुथ और बचा है, वैसे मैं ले सकता हूँ, तो भी देखते हैं। तो अभी मैं लेता हूँ डेयर, क्या डेयर देना है? तेरा डेयर ये है, तुझे यहाँ यहीं पर 5 पुशअप्स लगाने। गाइस यहाँ थोड़ा गंदा सा हो रहा है, तो हम यहाँ पुशअप्स लगाएंगे, ठीक है ना? ऊपर मेरे को कुछ शर्म वरम आती नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम पुशअप लगा लें। चलो। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, करना मुझे, मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहा था ना। चल शुरू जा, 1 2 3 4 5। तो गाइस इसने सही से किया नहीं, बहुत जल्दी जल्दी करके छोड़ दिया। लेकिन और बताना कि पुशअप होते कैसे, ऐसे पुशअप होते ना, कभी आज तक जिंदगी में एक्सरसाइज तो करी नहीं है, आपको कैसे पता? करी है मैंने, पूरे 5 पुशअप लगाए और लोग से सबके सामने लगाया, और उनसे अच्छा डेयर कराया मैंने। तो मेरा डेयर तो हो चुका है, पर दीदी ने बड़ा आसान डेयर दिया था, और मेरे टाइम पे लोग भी एकदम थोड़े नहीं थे, पर मैंने पुशअप लगा लिए, फिर भी लोग देख रहे, देखते रहो। जब आपकी बारी, बताओ बताओ क्या लोगे? आप पे 2 ट्रुथ बचे हैं, ट्रुथ तो ले लो, ले लेंगे, क्या दिक्कत है। दीदी को भी खबर नहीं मैं क्या डेयर देने वाला हूँ। तो आपका डेयर ये है कि आपको ना, वो वहाँ पर आइसक्रीम वाले हैं ना, वहाँ पर वो खड़े हैं आइसक्रीम वाले, तो आपको वहाँ पर जाके ना उनसे बोलना है कि एक प्लेट चाउमीन पैक कर दो अंकल, एक प्लेट चाउमीन पैक कर देना, ठीक है? और पूरा बोलना साफ साफ। चलो, ये दीदी की हिम्मत, दीदी अपने डेयर पूरा करने जा रही है। चलो अबे यार, वो तो है। चलो भाई, चलो, क्या हो गया, डेयर तो डेयर होता है। चाहो तो क्या हो गया, लोगों से फर्क थोड़ी पड़ता है, ऐसे बोलना है पूरा, रुक जाओ। अच्छा, तो मैं एकदम से बोल भी नहीं दूंगी भाई। शर्म तो गाइस, दीदी को ना डे करने में शर्म आ रही, क्योंकि लोग इतने आते थे आसपास,
दीदी बोल रही सबके सामने चाउमीन पैक कर दो बोलने में शर्म आएगी। तो दीदी एक पॉइंट हार चुकी है और मेरे एक पॉइंट हो चुका है, मेरे दो पॉइंट हो चुके हैं, दो पॉइंट मैंने सही बताया, एक ट्रुथ था, एक डेयर हो चुका है मेरा। दीदी का एक डेयर ठीक हुआ था, वो भी ऐसी था, और दीदी ने वाला डेयर नहीं करा। ऐसी था नहीं, ऐसी क्या था। तो फिर भी दीदी एक पॉइंट हार चुकी, दीदी एक माइनस वन में चल रही है, ठीक है, और मैं 2-1। गाइस मैं अपना डेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है यार, इतने लोग सारे आ गए एकदम से। ये जो डेयर होता है अब ये करेगा। मैं मेरे पास भी ट्रुथ बचा है पर मैं वो आखिरी में यूज करूंगा अभी नहीं, तो मैं लेता हूँ डेयर। डेयर ये है, तुझे जहाँ पे वो आइसक्रीम वाला खड़ा है ना उससे थोड़ा सा आगे जा करके वो जो वहाँ पर शॉप है जहाँ द इंडियन करके लिखा है कुछ, ठीक है, वहाँ जाकर तुझे तीन बार चिल्लाना है सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो। चलो सब्जी वाला जा रहा है अपनी सब्जी बेचने। यहाँ लोग भी हैं, अब देखते क्या बोलता है कैसे बोलता है। चल बोल ले लो सब्जी ले लो। कुछ भी। दीदी मेरे को बच्चों वाले डेयर दे जा रही है और मेरे को ऐसी आ रही करते हुए भी, डेयर ऐसा होना चाहिए ना जो मजा आया करने में भी। हाँ कि भाई डेयर है क्या है, तो सिंग मार रहे देखना। तो आपका डेयर ये है, यहाँ पर एक वो खड़ी है कैब, ठीक है, तो आपको ना वहाँ जाके उन भैया से बोलना है कि भैया लक्ष्मी नगर जाओगे, वो कहेंगे हाँ जाऊँगा, तो उनसे बोलना जाओ ना, फिर इतना बोलना है बस। चलो बोल दोगे तो दो लोग बैठे हैं। तो क्या हुआ बोलो। ए यार दीदी वो भैया भी ऐसे रहते हैं यार, दीदी शरीफों की तरह बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलना जाओ ना फिर। कोई नहीं डेयर तो पूरा कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोलती, मैं मुझे बहुत शर्म आती। सो गाइस अब मेरी बारी है, मैं लेता हूँ ट्रुथ। डेयर के लिए अभी इनका ना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है, मुझे कुछ भी दे सकती है अभी, तो मैं इसलिए नहीं लूँगा। सो गाइस अब मुझे लग रहा है कि मुझे आइसक्रीम वाले से बोल देना चाहिए था लेकिन नहीं बोला, कोई बात नहीं। अब सारांश ने ट्रुथ बोला है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ट्रुथ क्या बोलूँ। चलो देखते हैं। अगर मैं डेयर लेता तो कुछ भी दे सकती है, मतलब मैंने ट्रुथ लिया है। आखिरी बचा था वो भी गवा दिया। कोई बात गाइस अब एक ट्रुथ पूछ ही लेते हैं। अब तू ये बता क्या, तू 20 साल का, ठीक है, हाँ, तो स्कूल से लेकर अभी तक तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। ओह माय गॉड वाओ। मेरी गर्लफ्रेंड्स क्या, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और अभी भी नहीं, मतलब दोस्त थी सब और दोस्त ही हैं लड़कियाँ, क्योंकि मैं तो बचपन से क्वाइट स्कूल में पढ़े, हम दोनों भी पढ़े, आपको पता तो है, सब दोस्त थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी आज तक। झूठ बोल रहा है, थप्पड़ मारो इसके मुंह पे। तो बताओ अब क्या लोगे आप, ट्रुथ एंड डेयर? ट्रुथ। तो मुझे सब कुछ तो पता है, क्या ही पूछूं इन सब में। तो आप ये बताओ कि आज तक आप कभी फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक फेल हुए हो कभी किसी क्लास में? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेरी 11th में एक बार कंपार्टमेंट आई थी लेकिन मैं फेल नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी और बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, लेकिन अब सब ठीक है। चलो फिर तो सच बताया। तो गाइस अभी हमारा स्कोर चल रहा है 4 और 3, मेरा 4 है और दीदी का चल रहा है 3, तो मुझे बस जीतने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो दीदी को मेरे को अब ऐसा डेढ़ देना पड़ेगा कि मैं वो ना कर पाऊँ अगर दीदी को जीतना है, तो हमारा स्कोर 4-4 हो जाएगा फिर। पर ऐसा कोई डेर है नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 2 ट्रुथ लिए और सही बताया मैंने, और दीदी ने 1 ट्रुथ लिया, 2 डेर लिए और 1 डेर दीदी ने नहीं किया, तो दीदी के 3 पॉइंट हुए और मेरे 4 पॉइंट। तेरा डेर ये है कि कोई भी 2 लड़कियों के सामने जाके तुझे ऐसे जोर के बोल के आना है, बस एक बार। थोड़ी हुआ और एक मैं तो बहनूँ, तो अभी ढूंढते हैं कि कहीं तो कोई मिले जिसके सामने एक डेयर करे और कह रहा है मुझे हरा देगा, देखते हैं। चलो 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 गाइस, इससे हो नहीं रहा है बिल्कुल भी, और हमारे सामने से कितनी लड़कियां चली गई, 8 लड़कियां चली गई और इससे हो नहीं रहा है गाइस। बाबा ऑल इज वेल करे जा रहा है। शर्म आती, मतलब
कोई कुछ कुछ नहीं पता नहीं, बेइज्जती हो रहा है यार। तो गाइस हमें दो लड़कियां मिली है, हम रोड क्रॉस करके आए हैं और चलते फटाफट, चल फटाफट चल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पर ये इसकी हार्ट बीट देखो तेज होने लगती है और ये इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग यहाँ से भागे। अभी काफी टाइम बाद सारांश मान गया, थोड़ी हिम्मत करी है उसने और दो लड़कियों को बोल रहा है देखते हैं। इतनी खुशी मैंने जैसी भी करा, पर बड़ी हिम्मत करके कम से कम 8-10 लड़कियां मेरे सामने चली गई। तो मैं सोच रहा अब करूँ नहीं करूँ, पर ये सामने से मैंने बोला कोई बात कर लेते हैं अब। मैंने फटाफट जल्दी करके देर वैसे पूरा हो गया। तो गाइस बात ऐसी दीदी कह रही है ना कि तूने ढंग से नहीं करा, लो मतलब तो पूरा नाचे करना था। तो दीदी कह रही तेरा आधा पॉइंट है, तू जीता नहीं है, तेरे को एक पॉइंट चाहिए था। पर मैंने फिर दीदी बोला कि चलो एक पॉइंट की छूट है आपको। वैसे मैं जीत चुका हूँ, 5 मेरे पॉइंट पूरे हो चुके हैं, पर दीदी के हुए 3। अगर दीदी एक, मैं दीदी को डेयर देने वाला हूँ, दीदी ने पूरा किया तो मान लो हमारा हो जाएगा टाई। अगर दीदी नहीं कर पाई तो मैं इस गेम का विनर वैसे तो हुई। तो एक काम करो, यहाँ खड़े हो बीच में यहाँ, और 2 पुशअप लगाने। पुशअप्स नहीं आते, मैंने लगाऊंगा। ऐसी लगा दो, हाथ के अपना हाथ धुलाऊंगा सोप से, साबुन शैम्पू लगे। खाना है कुछ नहीं, फिर तो हार गए। यही डेयर है, जो बोला वो करना पड़ेगा, नहीं तो हार गए। मानते हो मेरे को तो आपको हराना है, मैं जो भी डेयर दूं। तूने ढंग से नहीं किया, मैंने फिर भी तुझे कुछ नहीं बोला ना। ये आपको मैंने छूट दे दी। तो गाइस बात ऐसी है कि मैंने दीदी को डेयर ऐसे देना था जो दीदी ना कर पाए, पर दीदी ये डेयर नहीं कर पाई तो मैं इस गेम का विनर। गाइस अपने आप ही सारा हवा में कर रहा है काम। दीदी ने डेयर नहीं करा ना, इसने इतनी हिम्मत, इतने टाइम बाद इसने दो लड़कियों को बोला। चलो आप आधा घंटा लो, यहाँ पर पुशअप मार लो। नहीं, मैं नहीं मारूं। हाँ तो आप मना कर रहे हो ना, आप तो इसलिए वो दीदी का एक -1 और मैं आधा पॉइंट जो दीदी की उससे था वो मैं जीत चुका हूँ। ये पार्टी में इसको ऐसे आयोजन देती रहती हूँ। पर दीदी ने बोला था अगर तू जीतेगा तो मेरी तरफ से तेरे को ट्रीट। तो अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड। मजा आया आज, हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रुथ एंड डेयर खेला है। वो भी वीडियो बना के, वो भी बहुत डर डर के वो वीडियो बना के डर डर के मर मर के। इससे कल पोछा मरवाऊंगी रोड पे, चलो देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसका हम सेकंड पार्ट भी लेके, और वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेवल का ही रखेंगे कि ऐसा डेयर रखेंगे कि बिल्कुल मजा आ जाए। तो अगर आपको हमारा ट्रुथ एंड डेयर चैलेंज, हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मिलते जल्दी अपने न्यू ब्लॉग में। बाय।